brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूरा हरियाणा में घूम के देख लो बेटा, जेजेपी वालों को तो गांव में लोग घुसने ही नहीं देते, इनका कोई वजूद नहीं रहा। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया। नवीन जिंदल बहुत पीछे है, नवीन जिंदल बढ़िया आदमी था लेकिन पार्टी में गलत में चला गया। तो फिर जुगर ये दुष्यंत चौटाला हो गए, उनका की मैं थारू जानिया इब के उनका माहौल है। राम राम, नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस समय मैं कैथल में मौजूद हूँ और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत क्या कुछ माहौल है, यहाँ किसका पलड़ा भारी है, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंदर मुच्छल ताऊ मेरे साथ हैं और दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुझे मिले थे और आज फिर से मैं इनसे मुलाकात कर रही हूँ। ताऊ जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप हमारी वीडियो ने बहुत सारे लोग देखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बहुत फेमस कर दिया मैं और आप शायद मेरे को शाहबाद में मिले थे तो उस टाइम मैंने कहा था, आपने सवाल पूछा था मेरे से कि भी जेजेपी का गांव में क्या हुआ है। वो आज आप पूरा हरियाणा में घूम के देख लो बेटा, जेजेपी वालों को तो गांव में लोग घुसने ही नहीं देते। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया उसी दिन पे, जेजेपी को बीजेपी इलेक्शन से पहले ही बाहर निकाल देगी, इनका कोई वजूद नहीं रहा। इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया। देवीलाल का पड़पोता होकर किसान बीजेपी के साथ मिलकर के किसानों पर गोलियां चलवाई, लाठीचार्ज करवाया और अब कहता है कि मैं बीजेपी को कभी भी साथ नहीं जाऊंगा। ये तो इलेक्शन के तुरंत बाद फिर बीजेपी के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसे ताऊ जी, यहाँ क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार है वो अच्छी वोटों से जीत रहा है यहाँ से। ऐसा क्यों लग रहा है कि सुशील गुप्ता बढ़त में है, क्योंकि अब चौटाला भी है और लोग बाग कह रहे हैं कि भाई ने तो किसाना खातर इस्तीफा दिया था, फिर उपचुनाव हुआ था उड़ैलनाबाद में, नवीन जिंदल भी हो गए, तब मुकाबला था तीन अमनुकवान के बड़े दावेदार बड़े नाम से। बेटा अभय चौटाला ने बहुत बढ़िया काम किया था, हम उसके फैन हो गए थे, लेकिन जैसे ही किसानों ने दोबारा एमएलए बना दिया तो इसने बीजेपी समर्थक राज्यसभा का सांसद बना जो कार्तिकेय शर्मा, उसको जाकर के अपनी वोट दे दी। बलराज कुंडू की तरह घर बैठे रहता तो किसान और मजदूर अभय चौटाला का फैन हो गया था, अभय चौटाला के साथ लग दे। अब चाहे कोई कितने समझा लो, लोगों की भावना यही है कि भी अभय चौटाला तो फिर बीजेपी के साथ जाएगा, इसलिए भी अभय चौटाला के साथ बहुत ही कम किसान और मजदूर लगे हुए है। और अभय चौटाला हम नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा इंसान है, सच्चा है, विधानसभा में किसानों की आवाज उठाता है, लेकिन जो वोटर के समझ में आ रहा है कि ये तो बीजेपी के साथ फिर मिल जाएगा। ये बीजेपी से जुड़िया हुआ है, अभय चौटाला जो है बीजेपी से जुड़ रहा है, किसान इसके खिलाफ है, बीजेपी से भी खिलाफ है, अभय से भी खिलाफ है। वो तो बीजेपी से हमेशा मुखरी दिखे हैं ताऊ जी। हाँ, फिर बीजेपी से मुखरी ज्यादा है, किसान खिलाफ है मेरे ना, बीजेपी से तो हमेशा खिलाफत करते दिखे हैं ना वो। नहीं बेटा, खिलाफत का क्या, मेरा रुके दो, मैं अर्जुन में बीजेपी का खिलाफ हूँ, बीजेपी खेत्र फिर सपोर्ट करे जाऊं। अगर राज्यसभा की सीट ये गठबंधन की जाती, कौन था पंडित जी, उसको जाती, अगर ये उसको बीजेपी समर्थक को वोट नहीं देता अपनी, उस करके किसान का बहुत दर्द है कि भी किसान ने, चलो किसान क्या कि मैंने इस्तीफा दिया था, बहुत बढ़िया काम किया था, हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं दिया था, इसने अकेला आदमी ने दिया था, लेकिन विधायक बना दिया दोबारा किसान और मजदूर ने, विधायक बनते ही कार्तिकेय शर्मा को इसने राज्यसभा के लिए वोट दे दी, उससे किसान इससे मायूस होकर के इससे नाराज हो गए। अच्छा, तो फिर ये बात है, नवीन जिंदल का क्या माहौल है? नवीन जिंदल बहुत पीछे है, नवीन जिंदल बढ़िया आदमी था लेकिन पार्टी में गलत में चला गया। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट नवीन जिंदल होता तो 5 लाख से भी ऊपर वोटों से बिना वोट मांगे जीतता। अरे, जो सुशील गुप्ता है, ये सुशील गुप्ता है, नया आया है, गठबंधन का है, सुशील गुप्ता को वोट इसलिए मिल रही है ना कि आप पार्टी को, ये कांग्रेस का गठबंधन का वो है, कांग्रेस की वजह से ही कांग्रेस इसको इलेक्शन जिता रही है। इंडिया गठबंधन है इसके साथ जी, ये सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के कारण इसको वोट मिल रही है, कांग्रेस की कुछ इसकी इसीलिए इसकी जीत हासिल की गई है। अच्छा, आपके अड़े बिल्ला भी लाग रहा था मैंने देखा। अच्छा, इसका अच्छा इनका जो ये सुशील गुप्ता ने आप समर्थन दे रहे। अच्छा, सुशील गुप्ता की ओर के 1 महीना से ज्यादा 1.5 महीना हो गया मैंने इसका कार्य। ये जो किसाना की बात कर रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी, तो अभय चौटाला ने समर्थन दे रहे हैं। गुरनाम ये तो बिक्रे हैं जी, बीजेपी के समर्थक हैं, बिक्रे हैं सभी, चढ़ूनी बिक रहा, राकेश टिकात भी, क्यों है सभी। ये महासम्मेलन था यहाँ पाई परसों, बहुत तकड़ा सम्मेलन था,
किसान महासम्मेलन जिसमें उत्तराखंड के भी आ रहे थे, पंजाब के आ रहे थे, हरियाणा के तो आम किसान बाढ़ रहे थे, वहाँ इनका विश्वासघातिक कराया गया। अच्छा, मतलब इन कोने राज्य बीजेपी पे गोली चलाई गई, बीजेपी पे बढ़ने नहीं दिए दिल्ली में, बीजेपी पे गोलियां चलाई नहीं, नहीं किसानों पे गोलियां चलाई बीजेपी ने, और 750 किसान शहीद हुए थे वहाँ दिल्ली में। इसीलिए इनसे किसान नाराज हो रहे हैं, इनको एक भी पर्ची उठ के नहीं जाने देंगे बीजेपी। जो करिए जिंदल साहब है तो इनका विरोध भी कई जगह देखा जा रहा है। बिल्कुल, किसान और मजदूर बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ये नवीन जिंदल का विरोध ना होकर के बीजेपी का विरोध है, बीजेपी का इतना विरोध है कि इन्होंने 750 किसानों को मरवाया और वहां किले, इतना तो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर पे भी इतनी किले नहीं है जितनी दिल्ली में लगाई, शंभू बॉर्डर पे लगाई हरियाणा सरकार ने, खट्टर ने, और वहां ये दत्ता सिंह वाला बॉर्डर पे लगाई खनौरी बॉर्डर पे। इन्होंने किसान को तो ये समझ रखा भाई, किसान को तो हम बिल्कुल ही उजाड़ के छोड़ांगे, और ये इनको तो अंबानी और अडानी दिखता है, अंबानी अडानी के सिवाय प्रधानमंत्री ने और पूरी बीजेपी ने कुछ नहीं दिखता। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देखो कितने लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े अंबानी अडानी और के माफ कर दिए, और किसान का एक भी पैसा माफ नहीं किया, जबकि 2014 का इलेक्शन में इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए हर किसान के, हर व्यक्ति के खाते में आएंगे और किसान और मजदूर का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन फिर अमित शाह गृह मंत्री है, जो आज इससे किसी चैनल वाला ने इंटरव्यू लिया था, उसने इससे सवाल पूछा कि आपने किसान और मजदूर का कर्जा माफ की बात करी थी, नहीं बोले ये इलेक्शन जुमले होते हैं, नहीं बोले हमने जुमला दिया था, हमारी सरकार बन गई, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, और उसमें करके भी दिखाया है कई हजारों करोड़ रुपए, कई लाखों करोड़ रुपए इसने अंबानी अडानी विजय माला ललित मोदी वो जो विदेश बजा दिए, यहाँ बीजेपी का खाता में पैसे डालते हैं और भाग जाते हैं। तो फिर जुगर ये दुष्यंत चौटाला हो गए, उनका की मैं थारू जानिया इब के उनका माहौल है। दुष्यंत चौटाला का रुझान था, जो 10 विधानसभा की सीट जीत गया था, उसने कहा था कि मैं बीजेपी को जमुना पार लिखाऊंगा, तो लोगों ने समझा कि ये लड़का नया लड़का है, उभरता सितारा है और बढ़िया काम करेगा। जैसे ही 10 सीटें आई जाके बीजेपी की गोदी में बैठ गया और बिक गया, और इतने घोटाले बताओ इसने कर रखे है। ये तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी कया भी है, किसी शाहबाद का एक लाला जी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी दे दिया लिख के, मैंने इसको 50 करोड़ रुपए दिए थे, जीएसटी घोटाला था, पता नहीं क्या था, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसकी जांच चालू है, थोड़े दिन के बाद ये अंदर होगा, और जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा हरियाणा सरकार अलमत महरी अपने आप ही गिर जाएगी। फिर जो करीब आ रहे कोई दुष्यंत चौटाला का, तो बेटा आपने देखा होगा हरियाणा में कहीं भी प्रोग्राम नहीं होता, शहर में फिरा थोड़ा बहुत 100-200-500 आदमी आवे और अपना प्रोग्राम करके चले जावे, उसका उसने तो गांव में इनको घुसने भी नहीं देते, पत्थर लगते हैं इनके टोड़े डले लगते हैं। अच्छा, जब गठबंधन टूटा जब के कहना था के सोचना था के लोगों का, इनका लोगों का लोगों ने पहले ही पता था, आपने मेरी मेरे से पूछा था साहब, मैंने तो आप तक 1.5 साल पहले बता दिया था बेटा भाई, मैं इसने बीजेपी इलेक्शन से पहले दबावेगी और यू न्यू कहा मैंने आपको छोड़ दी बीजेपी, आप नहीं छोड़ी, इसने बीजेपी ने जबरदस्ती निकाला है, आ ये तो ये भी राजी हो गया था, 10 की 10 था लड़ लो, बीजेपी ने सोचा कि इसको रखेंगे तो हमको घाटा होगा, इसलिए इनको दबा दिया। उचाणा हल्का की पब्लिक इसको ये कह रही बीजेपी में न जाए तो यहाँ हमारा किसान नाम आगे बैठ जाए, अगर जब यू किसान नाम बैठ जाता तो सीधा मुख्यमंत्री था, ये बीजेपी के साथ घोटाला कर गया सारा, किसान ना इससे खिलाफ हो गए, ये भी एक भी पर्ची किसान इसको उठ के नहीं जाने देंगे, ना बीजेपी को जाने देंगे, ना इसको कोई जनाधार नहीं इनका। टाटा नू मानने के जो सुशील गुप्ता है उनका जनाधार हम न्यू भी मानने के रणदीप सुरजेवाला साहब का भी आड़े जोर शोर पार्टी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की वजह से ही ये यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट जीतेगा, और कांग्रेस का वोट रही आप पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं था, जैसे ही गठबंधन हुआ चलो हाईकमान ने गठबंधन कर दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने यहां से अपना लिया, और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन रात करके आप देखो बेटा हर वार्ड में हर गांव में हर मोहल्ला में रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन रात करके और अपने कार्यकर्ताओं की गांव वाइज बूथ वाइज और वार्ड वाइज ड्यूटी लगाई हुई है 10-10 आदमियों की। ये हुड्डा साहब वगैरह ये आ रहे हैं? हां, हुड्डा साहब भी कर गए, 5 प्रोग्राम कर गए लाडुआ में, साबाद ना शायद लाडुआ और पेवा पाई कलैथ और गुलाची का बढ़िया प्रोग्राम कर गए हैं, उड़ा साहब भी
सच्चा मनता गठबंधन को जिताया गया राजी है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन रात मेहनत कर रहा, दिन रात रात को दो दो बजे तक लोगों के घरों में चाय पीता है। मतलब जो सुशील गुप्ता की जो अमनू का जो बढ़त है वो कांग्रेस की वजह, कांग्रेस की वजह है। हाँ, कांग्रेस की वजह है। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो यहाँ से कैंडिडेट भी आप पार्टी का नहीं आवेदा कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी से। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बढ़त है या कांग्रेस का कैंडिडेट है, मान लो वैसे निशान पे आप पार्टी का लड़ रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन का, अरे इसी वजह से ही इलेक्शन जीतागा। हाँ, तो अभय चौटाला का न्यू मानना है कि जो कुछ एक गांव है उड़े तक चौखी भीड़ देखी गई, किसान लोग बाग भी देखे, सिख लोग भी देखे, ऐसा है किसान ने मन बना लिया, किसान ने ये मन बना लिया, किसान के दिमाग में ये आ गई भाई यहाँ से तो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट ही बीजेपी का कैंडिडेट को रह सकता है, इसलिए इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट को ही किसान और मजदूर बहुमत से जिताएंगे। तो जिंदल साहब के बारे में कि मैं कह लोग बाग जिंदल साहब के बारे में तो यह कवे जिंदल साहब तो डरता भग्या जाएगा राजी को नहीं था। जिंदल साहब खुद भी कवे में इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, कहीं सभाएं में कहा अब तो नहीं करता, पहले लेकिन मैंने किसी वजह से ले भाई मैंने इलेक्शन लड़ लिया। और इलेक्शन तो वो दो दिन पहले भी किसी उसका पक्का साथी से बात हुई थी भाई आपकी बीजेपी में अफवाह हो रही है, सुनील कुंडू एग्रोडा रेडा गांव से, उसका बहुत पक्का आदमी है, हम भी जिंदल साहब के साथ होते थे, बहुत अच्छा मित्र था, छोटा भाई था हमारा जिंदल, लेकिन हमको छोड़ के चले गया, बीजेपी में चले गया। अब उसने पता नहीं क्या तो हुआ, क्या नया किया, प्रेशर पड़ा, मेरे ख्याल में तो जब केजरीवाल को उठाया गया नवीन जिंदल जी डर गए और सुबह ही इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीधा मानस है, मतलब ठंडे सौम्य सब आके हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई हो नहीं है, लेकिन जिंदल साहब की सबसे बड़ी कमजोरी एक और हो रही है कि 10 साल किसी के दुख में सुख में और इलाका में जिस परिवार को तीन बार कुरुक्षेत्र की जनता ने एमपी बनाया, 1996 में अभी पासे उसके पिताजी को बनाया, और 2004 में 2009 में खुद नवीन जिंदल को बनाया, और फिर 10 साल वहां उसका परिवार का सदस्य पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी के दुख में सुख में कहीं दिखाई नहीं दिए। तो सुशील गुप्ता काम न्यू मानने के लिए सुरजेवाला साहब भी चोखा जोड़ ला रहे, उन्होंने मारे उनका अड़े एरिया में चोखा दबदबा सा फिलहाल है। हाँ जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही ये गठबंधन की सीट निकलेगी, अन्यथा नहीं निकला थी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर कोई भी चाहे एक्स मिनिस्टर है, एक्स विधायक है, कोई भी है, सभी के सब सुशील गुप्ता के लिए दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये सीट जिता के रहेंगे। ते मतलब नू है कि रोड बिरादरी का भी वोटर है इस क्षेत्र में, अक नहीं है? हाँ है, पुंडरी में है। तो जो अलग अलग जो वोटर बट रहा है अलग अलग एरिया में, तो वो फिर क्यों लाम बंद हो पावेगा? जैसे 4.5 साल से रणधीर गोलन है हमारा भाई, पुंडरी से विधायक है, आजाद रोड बरादरी से है, उसने भी कुछ तो तंत्र दिखा है भी, बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को समर्थन कर दिया और आज सुशील गुप्ता के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, रोड बरादरी से है हमारा विधायक है वो भाई, बहुत अच्छा इंसान है और बड़ी पकड़ है रोड बरादरी में, दिन रात करके सुशील गुप्ता के लिए काम कर रहा है। तो ये पूरा ये ढाल का समीकरण रहेगा कुरुक्षेत्र में कि अभय चौटाला जो है वो उनकी गला जो गुरुनाम चढ़ूनी है, लेकिन इतनी कोना उनकी नु बढ़त सी लगती है अपने। गुरुनाम चढ़ूनी बेटा, एक हफ्ता पहले तो अभय सिंह चौटाला उसको गाली दे रहा था, वो अभय सिंह चौटाला को गाली दे रहा था, ऐसा क्या हो गया कि वो एक हफ्ता के अंदर अंदर दोनों बहुत बढ़िया मित्र हो गए? कोई तो कारण है उसका। जैसे ही गुरुनाम चढ़ूनी की कैथल डिस्ट्रिक्ट की पूरी विंग है, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी को और हमको अभय सिंह चौटाला से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सुशील गुप्ता को जो बीजेपी को रहेगा सुशील गुप्ता फाइट में सुशील गुप्ता के लिए ही हम काम कर रहे हैं, सुशील गुप्ता को हम समर्थन दे रहे हैं। पूरी चुड़ूनी की कैथल जिले की जो टीम है, चाहे उसमें एक प्रधान से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रधान से लेकर और छोटे विंग का जो भी सदस्य है, सबके सब ने इकट्ठे होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशील गुप्ता को समर्थन कर दिया। ये बुजुर्ग हम नु मानने के
सुशील गुप्ता की ओर जो है रणदीप सुरजेवाला साहब है, तो इस एरिया के लोग जो है सुरजेवाला साहब के अनुमाने के चोखा वो प्यार प्रेम सने रहा है। बिल्कुल जी, 3 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं सुरजेवाला परिवार, और इन्होंने कैथल को वो चमकाया है, शायद आपने पहले कभी कैथल देखा नहीं बेटा, यहाँ तो निकलने का भी रास्ता नहीं था, अब यहाँ तो जो लाइटें लग रही है नहीं रात को, बीजेपी सरकार ने 10 साल में उन लट्टू फूज हो गए जैसे वो लट्टू दोबारा नहीं चढ़े, और सुरजेवाला साहब 2014 का इलेक्शन में कहते थे निबल अगर यहां से बीजेपी सरकार आएगी तो कैथल के लट्टू बदलने वाला नहीं मिलेगा कोई, और वो सच साबित हो रहा है। तो कोई विकास नहीं हुआ है इस सरकार बिल्कुल में? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है इसमें, जो जो भी है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन है इस कैथल को चमकाने के लिए, और आगे भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन रात करके इस कैथल को वैसे ही चमकाएंगे, और मौका मिलेगा तो उस टाइम हरियाणा को भी ऐसे चमकाएंगे जैसे कैथल को चमकाया। तो इबनू माने के जैसे उत्तर हरियाणा में कदे राजनीति या उत्तर हरियाणा में जैसे सीएम नहीं बने कोई, तो आप लोग में जो कांग्रेस की बात आ गई कि ले भाई चलो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और सीएम फेस कौन होना चाहिए, और जो सुरजेवाला जी पर कदे दावा हुआ है तो सीएम बनने का अड़ चावे लोग बाग बनावे? बिल्कुल चावे, ये उत्तरी हरियाणा ये इंतजार में है कब विधानसभा का इलेक्शन हो और कब हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बनाए। तनुन्ने फिर रोहतक साइड में मतलब हुड्डा साहब की बढ़त है, फिर कितने किरण चौधरी वास्ते लोग कह रहे हैं ऐसा है, 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हुड्डा सरकार में एक हनुमान का काम करता था, जहां कहीं भी कोई भी वो था ना जैसे कि कहीं भी आंदोलन हो गया है कुछ भी हो गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला उसको वहीं से जा करके अपनी सूझबूझ से उसको निपटा करके धरना उठा देता था। अच्छा। और जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम बनेगा तो पूरा हरियाणा को ऐसे चमकाएगा जैसे कैथल को चमकाया। कि यो संभव लग गया क्योंकि कांग्रेस के भीतर तो हम सोचे हैं कि भीतरी भी गुटबाजी है खेमेबाजी है, उड़ा भी एक चौधर की लड़ाई दिखे है। बेटा 2004 का इलेक्शन लोकसभा का हुआ, भजनलाल जी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ और 9 सीटें कांग्रेस ने जीती, तो फिर विधानसभा का 2 फरवरी 2005 में इलेक्शन हुआ, भजनलाल की देखरेख में हुआ, भजनलाल के नाम से इलेक्शन हुआ, तो 5 मार्च 2005 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शपथ ली। ऐसा सब कुछ होता है, सभी पार्टियों में होता है, अभी देख लो वहां मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान के नाम से हुआ, कोई मुख्यमंत्री कोई और बना दिया, वहां राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम से हुआ, वहां कोई मुख्यमंत्री हो गया, और छत्तीसगढ़ के अंदर कोई रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करता बीजेपी का, उसके नाम से इलेक्शन हुआ तो मुख्यमंत्री कोई और बन गया। ये तो पार्टी ने और विधायकों ने फैसला करना है, अगर पार्टी चाहेगी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा का सीएम होगा। अच्छा, जैसे दुष्यंत चौटाला का विधानसभा में की मैं लग गए कि अगर वे अपने कैंडिडेट तारेंगे 90 सीटों पे तो कि मैं रहेगा उनका कहीं 2000 कहीं 1500 कहीं 1000 वोट भी रह जाएगी बेटा। खुद दुष्यंत चौटाला ने भी ये हो रहा कि कहां से हल्का चुनू और कहां से अपनी जमानत बचाऊं, कहां से नैना चौटाला ने भी यही हो रहा है, कहीं से मैं कोई हल्का मेरे को मिले वहां से मेरी जमानत भी बच जाए, ये समझ लियो कि वो अपने आप को विधायक ही समझ लेगी अगर जमानत बचगी तो। कौन लगता ना? बिल्कुल नहीं है, लोग फैन थे कदे इनके? हाँ, कभी फैन हो गए थे, नवा था, अभय सिंह चौटाला ने इसको सांसद बना दिया था 2004 के अंदर ना 2014 के अंदर, बहुत अच्छा अभय चौटाला ने दिन रात करके इसको सांसद बनाया था, तो लेकिन अभय चौटाला का देख ले उस पार्टी का क्या कर दिया दुष्यंत चौटाला ने, अपने दादा को दादा नहीं समझता, गौतम को तो दादा मानने करता भी गौतम ने नहीं मानता है, बताओ उसका क्या क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। कौन है मतलब उनका की मैं जनाधार ही है? कोई जनाधार नहीं है, आप घूम के देख लो क्या जनाधार है, कहीं कुछ है कि नहीं है, आपको अपने आप पता तो होगा बेटा आपने भी, लेकिन आप हमारे मुंह से कमाना चाहो लेकिन हम सुनना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं बेटा, कोई जनाधार नहीं रहा इनका, बिल्कुल भी जनाधार नहीं रहा अभय चौटाला का, जो इनका जनाधार था वो जनाधार सारा अभय चौटाला के पास चला गया। ताड़े कुरुक्षेत्र में चाहिए अपन नु माना कि जेजेपी का जो वोट है वो कि मिलेगा अभय चौटाला ने? अभय चौटाला को कुछ मिलेगा, बाकी तो सुशील गुप्ता की तरफ ज्यादा रुझान हो गया। गांव देहात में भी है सुशील गुप्ता खतर माहौल है? गांव देहात में एक तरफ ही जीत होगा आएगी बेटे, 4 तारीख को बताऊंगा कि शहर में। हाँ, शहर में फुल रुझान है। जिंदल साहब का और जिंदल साहब का कम है? कम है हाँ, सिर्फ बीजेपी की वजह से कम है,
बीजेपी को 10 साल हो गए, लोग जनता चाह रहा है महंगाई देख लो कहाँ चली गई, ये 400 पार का नारा ये सच्चा दे रहे हैं भाई। हमारी सरकार भी आएगी जे 400 पार करेंगे हम दाल, 400 रुपए किलो करेंगे चीनी, और 400 रुपए लीटर करेंगे सरसों का तेल, 400 रुपए करेंगे हम खाने पीने की जो भी वस्तु है भाई 400 रुपए किलो से ऊपर चढ़ा देंगे, इसलिए 400 पार का नारा है। लोगों के समझ में नहीं आ रही है बात। पेट्रोल देख लो बेटा, 70 साल हो गए कांग्रेस की सरकार ने, 70 साल में बड़ी मुश्किल से 65 से 70 रुपए लीटर होता था, इन्हें 10 साल में ही 115 रुपए लीटर भी कर दिया। डीजल है 45 रुपए लीटर था 70 साल में, अब देख लो 95 रुपए लीटर है। इतनी महंगाई बढ़ा दी गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का तो जीना ही दुर्भर कर दिया। अच्छा तनु भी बताओ, जैसे मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी जगह बन गए नायब सैनी, इसका कोई असर होगा जो ओबीसी वोटर हैं कि उन पर की में की डाल का असर होगा, या फिर जो सामान्य लोग बाग भी हैं? बेटा पंजाब में थोड़े दिन इलेक्शन से थोड़े दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया था, वही काम यहाँ होगा। ये पंजाब का चन्नी हरियाणा में थोप दिया बीजेपी ने, और ये हालात देख लियो, अभी 4 जून के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सभी जितने निर्दलीय सब अपना समर्थन वापस लेने लग रहे हैं, अभी तीनों ने तो क्लियर कर ही दिया। हो सके वह न्यू लेने लग रहे हो कि बीजेपी खातर जो है लोग नाराजगी देख रहे हो, कांग्रेस में देख रहे हो कि चलो भाई आड़ा थारी राजनीति आगे बढ़ जाएगी। अब बेटा फिर ये तो सब अपना लाल तो सब देखा है उन्होंने, ये तो दिखा, ये साबित कर दिया बीजेपी को तो कड़ी घुसन देंगे, शहर का किसी वार्ड में नहीं घुसन देंगे, कड़ी गांव में नहीं घुसन देंगे। बीजेपी तो गई कांग्रेस में ही उनकी अपना बढ़िया वो दिखन लग गया, रुझान दिखन लग गया। उत्तर हरियाणा में भी मानने के लिए कांग्रेस फिलहाल है चर्चा में। बेटा देखना तो आप है, 4 जून को पता चल जाएगा अंबाला से कांग्रेस का जीत गया, कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन जीत गई, हिसार से कांग्रेस जीत गई, सिरसा से कुमारी सालजा बहुत ही ज्यादा लीड से जीत गई, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छी वोटर से जीत गया, और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी वो भी जीत गया, करनाल से बुद्धि राजा भी जीत गया, और गुड़गांव से राज बब्बर भी जीत गया, वहां से महेंद्र प्रताप भी जीत गया, फरीदाबाद सारे जिता दिए। हाँ बेटा 10 की 10 सीट आएगी। हाँ पक्का, आप देखते रहना। लोगों में बहुत रोष है इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार ने महंगाई और जातिवादी के बगैर कुछ भी नहीं कराया। देखो बेटा ये संदीप सिंह है, इसको आगे रखता था, संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच ने कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, तो इसको मंत्री पद पे भी न्यू रखा खट्टर ने है। और वहां देख लो दिल्ली में लड़कियों के साथ जब लड़की मेडल लेके आती है, हमारे भारत की बेटी, हमारे भारत की बेटी है, जिस टाइम उनको पुलिस ने जूतों के पैरों के नीचे कुचला, वो क्या ये जनता भारत की भूल गई उसको, जो देश को का नाम रोशन करती है उनको पैर ठोकरों से पीटा, लाठियों से उनका मान सम्मान किया है, यही मान सम्मान होता है। ये बीजेपी सरकार ने कोई भी वर्ग नहीं बख्शा इनको, तो सिर्फ अंबानी अडानी और बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है जो इनको पैसा अवेलेबल सा दे रहा है, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं उनको, वही अच्छे लगते हैं। अभी बेटा हिंदुस्तान के अंदर 70 साल हो गए, ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने ये नहीं कराया कुछ नहीं कराया। कांग्रेस के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कांग्रेस के बनाए बहुत कुछ है, इन्होंने क्या बनाया 10 साल में? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना बहुत बड़ा पांच मंजिला बहुत बड़ा दफ्तर बना लिया। कांग्रेस के पास तो आज तक इंडिया में कहीं दफ्तर नहीं है देखने के लिए कहीं भी इंडिया में दफ्तर नहीं है कांग्रेस पे, इन्होंने 10 साल में ही बड़े बड़े महल बना दिए। कहां से आया वो पैसा, सोचने की बात है, वो पैसा आया कहां से है? या किसी ने ये बता दो भाई कांग्रेस बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता ने पर्ची कटार किया उसके लिए? बहुत बड़े बड़े अभी कैथल में आप जाकर के देख लो, 5 मंजिला बहुत बड़ा आलिशान दफ्तर बन गया, कहां से बन गया वो? 10 साल पहले क्यों नहीं था उनके पास? एरिया में बीजेपी के राज में माने के लिए कोई सा गणा सा खास को नहीं, कोई काम नहीं हुआ बेटा, कुछ भी काम नहीं हुआ। किसान का बहुत दुख है, 750 किसान मरे हैं किसान आंदोलन में, और इन महंगाई तय बिना कुछ नहीं करया। शंभू बॉर्डर पे किसानी भी बैठे हैं, उसमें पंजाब के हरियाणा के क्यों नहीं जानते क्यों नहीं? टिगरी बॉर्डर पे भी जा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे जा रहे हैं, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, हरियाणा के किसान भी बहुत जाते हैं,
लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक बैरियर लगा दिया, उधर से पंजाब वालों को इधर नहीं जाने देते, हरियाणा वाले को उधर नहीं जाने देते। देखा ना पीछे एक नया लड़का 18-19 साल का शुभकर्ण नाम का लड़का था, यहाँ गोलियों से भून दिया हरियाणा सरकार ने। कले कले बच्चे थे, कहीं तो कहीं का तो घर दीवा भी नहीं बढ़ता, कले कले बच्चे थे। फिर नू लग गया जो करे गुरनाम चढ़ूनी अभय चौटाला तो समर्थन दे रहे हैं, तो नू लग गया कि जो किसान नेता हैं वे भी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। यू किसान का भी बगत जाएगा, अरे अभय तो जाए जाएगा, क्यों अभय तो हलने हलना इलेक्शन में एमपी बनना नहीं। यू किसान का भी ठोकर खाएगा फिर कौन है? यू चुनूनी और इस आगे कौन ही पूछेगा फिर कोई, ये तो राजनीति लग गया लड़ने। यू किसान मसीहा थोड़ी रहे, ऐसा बेटी ने बिना मतलब महंगाई कुछ नहीं करया। यू सिलेंडर है 1150 बग गया था, गया सिलेंडर न्यू है, तेल 110-115 पेट्रोल पहुंच गया था, 95 डीजल पहुंच गया था, तो खाने की दाल चाहे कुछ भी है 100-150 का कम तो कौन सी दाल नहीं है। अच्छा, चाय पत्ती है कांग्रेस राज में 150 रुपये मिलेगी, दिया 400 रुपये मिलेगा, हर एक महंगाई का काम था। और इन पे तो कुछ कुले थोता चना बाज जाएगा ना, ये तो कहने दे तो कुछ है, करने दे कुछ है नहीं। इन्हें जाति पाति पढ़ने दे मतलब रहा भाई, जाति जाति बढ़िया है और वोट ले लियो। कांग्रेस की सरकार ने 400 रुपए का सिलेंडर किया और इन्होंने 10 साल में उसको 1150 रुपए का कर दिया। ताऊ जी अभी ये बताओ, जैसे जातीय राजनीति है उसने हम नकार नहीं सकते है ना, तो इस क्षेत्र में भी के जातीय राजनीति है। बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि हरियाणा में जाट और नॉन जाट की राजनीति करवाएं, बीजेपी में गुजर और मीणे की बजवाएं, राजस्थान में गुजर मीणे की और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, मध्य प्रदेश में किसी और की, हिमाचल में किसी और की, ये राजनीति जातिवादी के हिसाब से ही राजनीति चला रही है बीजेपी अपनी। और जो दूसरी सरकार आवे उनमें यो फैक्टर को ना काम करता। बिल्कुल नहीं है बेटा, वो सब के सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखा, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसमें देखा कभी जातीय दंगा हुआ? कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी। ये हर रोज करवाते हैं, ये हर रोज यही बामना फैलाते हैं बस। लेकिन नू भी कहें कि उस दूसरी सरकार में तो पर्ची दे के खर्ची दे के जब नौकरी हुई है, इस सरकार में तो गरीबा के बालक लग गए हैं। बेटा मेरी अपनी सुने तो, मेरे हिसाब से 60-65 बच्चा मैंने न्यू बेराबे मनना है, ये बालक लग रहे हैं और इनमें तो एक आदमी एक हुआ दो एसडीओ से लेकर के पीएम तक भी एक आदमी भी ये कह दो भाई 1 रुपया के कैथल तक का पेट्रोल लग गया उनका मोटरसाइकिल का। जब था, जब एक बात बताओ, 100-100 करोड़ रुपए इनके चेयरमैन के दफ्तर में कैसे मिलती है? जो इनका जो नौकरी लाने का चेयरमैन है, मैंने तो कहना नहीं आता कौन सा विभाग का हो, हाँ उसमें 1-1, 2-2 करोड़ रुपये मिलते हैं उसके दफ्तर में। वहां से क्या, वह किसके लिए, कहां से आए थे वो पैसे? कभी जांच हुई है उसकी? बिल्कुल नहीं हुई। जो बीजेपी में चला गया, चाहे कितने भ्रष्ट है, चाहे कितने कुछ भी है, जहां महाराष्ट्र में एक अजीत पवार था, उसको मोदी ने थोड़े दिन पहले कहा जेल जाएंगे, चकिन पीसेंगे, जेल जाएंगे, वो इन पर आ गया, इनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और वॉशिंग मशीन में को दो गैर दौड़ा कट दिया, जमीन दूध धोया हो गया। हमारा सांसद था नवीन जिंदल, इस पे बेचारा भाई इतने इल्जाम लाए उड़ाया गया 2014 के अंदर, न्यू बोले तो कोला चोर है, यू तो न्यू है, या है, वा है, इब ओए नवीन जिंदल नहीं है, ओए नवीन जिंदल है, इब करे गए उसके में। इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठा है, भ्रष्ट है, भी एक व्यापारी को खाम खाई बे मतलब का इल्जाम लगाने लग रहा, आज उसी को टिकट देने लग रहा, प्रधानमंत्री झूठा फिर तो, ये तो साबित हो गया बेटा कि 2014 की मैंने तो काटनी नहीं आंदी, फोन नाम आज कैड ले भाई कोला घोटाला, ये तो इतने हजार का कोला घोटाला कर गया, ये कर गया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आज वही नवीन जिंदल कैसे टिकट दे दिया उसको फिर? प्रधानमंत्री झूठा है ना, प्रधानमंत्री के खुद प्रधानमंत्री के बड़े 2014 कुरुक्षेत्र इधर तिरा के गया था। मतलब जुकराड़ा नायब सैनी का जो वोटर है वो किस ओर जाएगा? ऐसा बेटा नायब सैनी का कोई वोटर नहीं, पहले मोदी की लहर थी, इसने पुलवामा हमला करवाया गया, 40 किसान नौजवान मरा दिए, किसान और मजदूर का ये भावना होगी भाई ये तो पाकिस्तान ने मरवा दिए। आज तक बेटा 39 जवाना का ये गजब की बात है, क्या की सरकार है भारत सरकार का, एक भी ये नहीं है भी कोई भी उसकी रिपोर्ट चालू हो, कहीं से भी उसकी वो इंक्वायरी हो रही हो, कहां गए वो? उन बेटियों का
घर उजाड़ दिया, किसी बच्चे के बच्चों के माँ बाप खो दिए, सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 44 जवान पुलवामा हमला करवा गए और वहां मरवाए। अब भी करता वो भला हो, एक सतपाल मलिक का कोई इन्हीं का था गवर्नर, उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी, नहीं इस बार भी जवानों को मरवाता और पता नहीं कितने सैकड़ों जवान मरवाता, उसने पोल पट्टी खोल दी, इन्हें सोचा कि भी का ये थर ये मैजिक है जो ये नहीं चलने वाला है। कई बार अनुमान के कुरुक्षेत्र में ले रणदीप सुरजेवाला भी फील्ड में है, उड्डा साहब भी हड़ा है, तो सुशील गुप्ता के अनुमान का चोखा जोर ला रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस इसको एमपी बनाएगी इंडिया गठबंधन, ये नहीं समझ रहे ये आप पार्टी का कैंडिडेट है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ये समझ रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है और इसको अच्छी मतों से जिता करके सांसद बना के दिल्ली संसद में भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी, और आपने मतलब जो जो बात कही है जय बात सच्ची हुई, तो आप तो फिर मिलना आऊंगी, फिर आप तो एक और बातचीत में रिकॉर्ड करूंगी। बेटा मैंने झूठ सच्ची तो देख लिए, पाछे तेरे तो 1.5 साल पहला कह नहीं दिया था मैं, दुष्यंत ने बगजा वगैरह खट्टर ने बिटा मांगे कया होगा तेरता है, मेरे पास वो वीडियो आज भी है, कभी ये नहीं भूल गया होगा, मैं अनपढ़ बेसूंगो। बेटा मन्ने 1.5 साल पहला कह दिया था, इन्हें दोनों ने दबाव, इसने तो जमी पार्टी का समझौता तोड़ेंगे और इस खट्टर ने टावेंगे, कोई नया न लियावेंगे। चलो तब आपने जो है सियासी भविष्यवाणी करी है, जो है सच्ची हुई था, अब तो फिर मिलांगे हम। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बातचीत खातर, ताऊ का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।